हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज सूरज कुमार तिवारी एंड यू आर वाचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे पाइथन पर लिस्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, लिस्ट को कैसे यूज कर सकते हैं इसके बारे में, और साथ ही साथ बात करेंगे अपेंड फंक्शन के बारे में कि ये अपेंड फंक्शन क्या होता है, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कि हम कैसे शॉर्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ पाइथन टेक्स्ट आईडी। ठीक है, पाइथन की आईडी को ओपन करने के बाद देखिए ओपन हो रहा है। अब यहां पर हमें क्या लिखना होगा ये हमें समझना है। ठीक है, सबसे पहले हम देखिए, मैं एक यहां पे बनाता हूं, यहां लिखता हूं मैं स्टूडेंट। ठीक है, अब ये स्टूडेंट की जगह कुछ और भी दे सकते हैं आप, स्टूडेंट्स मैंने दे दिया। ठीक है, और इक्वल टू का निशान बनाएंगे, और यहां पर जो है अब हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उन सारे स्टूडेंट्स के नाम लिखेंगे जिनको हम चाहते हैं इस स्टूडेंट्स नाम के वेरिएबल के अंदर रखना। जैसे एस यू आर ए जे, ये पहला आर ए, सॉरी आर ए एम ई एस एच रमेश, ये दूसरा, यहां पे इसको मैं पहला अक्षर कैपिटल करता हूं। इसके बाद फिर यहाँ पे नोटेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर राम आर ए एम कैपिटल में रहेगा आर ए एम, फिर रहीम, ठीक है, फिर कॉमा। अब देखिए यार, रहीम इन्वर्टेड कॉमा देना भूल गया तो यहाँ ये गड़बड़ हो जाएगा, तो इन्वर्टेड कॉमा रहना चाहिए। इसके बाद रत्नेश, यहाँ पर भी इन्वर्टेड कॉमा, यहां पर फिर लिखता हूं आफताब, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, और आफताब लिखने के बाद फिर यहां लिखेंगे जावेद, यहां लिखता हूं सचिन एस ए सी एच आई एन, ठीक है, और यहां इन्वर्टेड कॉमा को मैं कर देता हूं क्लोज, और यहां स्क्वायर ब्रैकेट को भी कर देता हूं क्लोज। ठीक है, ये हमारा इतना हमने लिख लिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर जो है हमें किसी भी वैल्यू को एक्सेस करना है, तो किस तरह से एक्सेस करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं, अच्छा आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, तो एरे का बाय डिफॉल्ट इंडेक्स क्या होता है आप बताइए, एरे का जो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स होता है वो क्या होता है, वो होता है जीरो। तो जीरो पर क्या लिखा हुआ है, ये सूरज लिखा हुआ है, वन पे क्या लिखा हुआ है, रमेश लिखा हुआ है, टू पे राम, थ्री पे रहीम, फोर पे रत्नेश, फाइव पे, ऐसे करके हम इसको एक्सेस करेंगे। तो कैसे एक्सेस करेंगे, देखिए यहां पे मैं लिखता हूं एस टी यू डी ई एन टी एस, स्टूडेंट्स लिख दिया हमने। अब मैं बनाऊंगा स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, हम चाहते हैं कि हम जीरो वाले इंडेक्स को क्या करें, एक्सेस करें, तो मैंने यहां पे जीरो लिख दिया, तो जीरो में क्या लिखा हुआ है ये यहां पे एंटर करने पे आ जाएगा। तो ये देखिए जीरो में सूरज लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि फाइव पे क्या लिखा हुआ है, यहां पे मैं आपको दिखाता हूं एस टी यू डी ई एन टी एस स्टूडेंट्स, ठीक है, यहां स्क्वायर ब्रैकेट बनाया फाइव, फाइव पे देखता हूं क्या लिखा हुआ है, जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं तो यहां देखिए आफ्ताब आ गया। ठीक है, तो देखिए यहां पे वन जीरो वन टू थ्री फोर और ये फाइव, फाइव पे आफ्ताब है। अब इसके बाद जो है हम एक अपेंड फंक्शन का यूज करेंगे, अपेंड फंक्शन क्या होता है, अब देखिए अपेंड फंक्शन जो है यहां पे मैं लिखता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे डॉट अपेंड लगाएंगे, अपेंड एक फंक्शन होता है, ठीक है, और अपेंड लगाने के बाद जैसे मान लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं, यहां पर जैसे मान लीजिए कि आप इसमें एक नाम और ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, कैसे ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूं राधा आर ए डी एच ए, ठीक है, इसको बंद किया हमने, राधा लिख करके इसको बंद करेंगे, और मैं इसको इंटरप्रेस करूंगा। ठीक है, देखिए इंटरप्रेस किया मैंने, तो ये अब ये जो है, अब इसको देखिए, अब मैं यहां पर फिर इसको एक्सेस कर रहा हूं, किस नाम से है, स्टूडेंट्स नाम से है, स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स, ठीक है, जैसे इंटरप्रेस करता हूं तो ये देखिए सूरज रमेश राम रहीम रत्नेश आफताब जावेद सचिन और ये राधा,
ये अपडेट हो गया। फिर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए जैसे यहां पे है स्टूडेंट्स, ठीक है, और डॉट अपेंड, अपेंड फंक्शन जोड़ने के लिए लगाते हैं, ठीक है, अपेंड, ठीक है। और अब यहां पर हम देना चाहते हैं कोई नंबर, जैसे मान लीजिए 12 देना चाहते हैं, तो यहां 12 दे दिया हमने, ठीक है। अब जैसे ही मैं एंटर करता हूं, ये हो गया अपेंड हो गया। अब इसको एक्सेस करना है तो यहां लिखेंगे STUDENTS स्टूडेंट्स, यही था हमारा, एंटर प्रेस करता हूं तो यहां 12 लिखा हुआ आ रहा है। तो आप नंबर और नेम दोनों को एक्सेस कर सकते हैं, स्ट्रिंग को भी एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आसानी के साथ आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे शॉर्ट फंक्शन के बारे में, अपेंड फंक्शन तो आपने देख लिया, अब हम बात करेंगे एक, इससे भी पहले एक और फंक्शन की बात करते हैं, काउंट फंक्शन की बात कर लेते हैं, ठीक है। काउंट फंक्शन क्या होता है, कैसे काउंट फंक्शन को हम यूज करेंगे पाइथन में, वो बात कर लेते हैं। तो देखिए यहां लिखूंगा STUDENTS स्टूडेंट्स डॉट COUNT, काउंट माने होता है गिनती, ठीक है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आफ्ताब लिखा हुआ है, AFTAB ये लिखा हुआ है, तो ये जो है कौन से नंबर पे लिखा हुआ है, ये हमें जानना है। एंटर प्रेस करूं तो ये देख सकते हैं कि इसमें यहां पे 1 दिखा रहा है, ठीक है, यहां पे क्या दिखा रहा है, 1 दिखा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये दिखा रहा है 1, ठीक है। और अगर मैं कोई और एक्सेस करता हूं, देखिए जैसे यहां पे मैं ये एक्सेस करता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, और डॉट काउंट COUNT, ठीक है, इसको ये ब्रैकेट लगाया हमने, ठीक है। और यहां पे कोई और नाम एक्सेस करते हैं, जैसे यहां पे मैं एक्सेस करता हूं सूरज, ठीक है, डबल डॉट कॉमा लगाते हैं और SURAJ बंद करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं तो ये आ रहा है 1, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा एक और एक्सेस करते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स डॉट COUNT काउंट, ठीक है, और यहां पे मैं लिखता हूं राम, RAM, एंटर करूंगा, 1 आया। यानी कि ये बात क्लियर है कि ये एक पूरा स्ट्रिंग बना, मतलब एक पूरा ये लाइन बनी हुई है और इसी लाइन को हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है 1, मतलब एक ही में ये पूरा लिखा हुआ है। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। अगला जो फंक्शन है उसको हम देखते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि ये जो रमेश लिखा हुआ है ना, रमेश के जगह हमें चाहिए सुरेश, तो कैसे वो कर सकते हैं हम, तो उसके लिए भी एक फंक्शन बना हुआ है STUDENTS स्टूडेंट्स लिखा हमने, डॉट रिमूव, डॉट रिमूव भी एक फंक्शन है जिससे हम रिमूव कर सकते हैं, किसी भी नाम को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे रिप्लेस करेंगे, आइए देख लेते हैं। यहां पर मैंने लिखा डॉट रिमूव, तो हम क्या रिमूव करना चाहते हैं, जैसे रमेश को रिमूव करना चाहते हैं RAMESH, ठीक है, ये हमने रिमूव किया रमेश को, ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम, यहां से क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करता हूं, सॉरी यहां पे कुछ गड़बड़ हो गई, यहां लिखता हूं स्टूडेंट्स STUDENTS स्टूडेंट्स, यहां पे नोटेड कॉमा छूट गया था, डॉट रिमूव ROMOVE, ठीक है। अब यहां लिखूंगा रमेश RAMESH नोटेड कॉमा क्लोज, ये क्लोज, अब एंटर प्रेस करता हूं तो यहां पे देखिए कोई आंसर नहीं आया। तो अब यहां पे STUDENTS स्टूडेंट्स, और जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो ये देखिए ये हमारा रमेश जो है इसमें से रिमूव हो चुका है, आप देख सकते हैं रमेश नहीं आ रहा है। मैं आपको एक बार फिर दिखाता हूं रिमूव फंक्शन का यूज करके STUDENTS स्टूडेंट्स डॉट REMOVE रिमूव, ठीक है। और अब क्या करेंगे, यहां पर वो नाम देंगे जिसे हमें रिमूव कराना है, ठीक है, क्या नाम देंगे, वो नाम देंगे जिसे हमको रिमूव कराना है, ठीक है। तो यहां देते हैं, जैसे मान लीजिए अब हमें देना है इनमें से राम RAM, ठीक है, बंद किया, एंटर प्रेस करूं तो यहां पे देखिए, और यहां पे अब स्टूडेंट्स को एक्सेस करते हैं, देखते हैं कि हमारा जो ये बनाया हुआ रिकॉर्ड है उसमें क्या क्या आ रहा है। तो इसमें देखिए राम और रमेश के अलावा सारी चीजें आ रही हैं।
इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक है वो हम शॉर्ट फंक्शन का यूज करना सीखेंगे. शॉर्ट, SORT, शॉर्ट माने होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सजाना. ठीक है, तो लिखता हूं मैं यहां स्टूडेंट्स, पहले तो नाम है हमारे, ठीक है, डॉट SORT, शॉर्ट लिखा हमने. ठीक है, और शॉर्ट लिखने के बाद लगाएंगे ये ब्रैकेट और प्रेस करेंगे इंटर. ठीक है, और यहां पर लिखेंगे अपने जो इसका नाम है वो लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे. तो यहां पे देखिए ये शॉर्ट हो गया. ये शॉर्ट कैसे हुआ, देखिए सबसे पहले तो ये नंबर आ रहा है तो नंबर को पहले लेके आएगा, उसके बाद से ए वाला आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा, फिर डी वाला आएगा, फिर ई वाला आएगा, फिर एफ, फिर जी, फिर एच. तो अगर नहीं है तो उसके आगे आता जाएगा. जैसे ए है तो एक बार बी नहीं है, सी नहीं है, डी नहीं, ई बी ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, तो जे आया है, फिर आर आया है. तो इस तरीके से ये सॉर्ट कर सकता है. यानी आपने क्या क्या सीखा, देखिए सबसे पहले तो लिस्ट क्या होती है, तो ये लिस्ट बनाना आपने सीखा कि लिस्ट का हम यूज कैसे करेंगे. ठीक है, तो एक आपने बनाया यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम का और इसके बाद इसके अंदर ये लिस्ट डाल दी. ठीक है, तो ये सीखा आपने. दूसरा आपने ये सीखा कि अपेंड फंक्शन का क्या यूज होता है. अपेंड फंक्शन का यूज हम करते हैं कोई नाम हमें एक्स्ट्रा जोड़ना हो तो उसके लिए करते हैं. ठीक है, नाम या नंबर दोनों जोड़ सकते हैं. इसके बाद आपने सीखा काउंट फंक्शन का यूज करना कि आपने एक ही एरे तो बनाया है और एक एरे में ये सारी चीजें लिखी हुई हैं. ये देखिए यहाँ ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, तो ये कौन से में है, तो ये काउंट फंक्शन ये बताता है. फिर नाम को रिमूव करना है तो उसके लिए आपने रिमूव फंक्शन का प्रयोग किया है. और फिर जाकर आपने कौन सा फंक्शन लगाया है, सॉर्ट फंक्शन लगाया है ए टू जेड के क्रम में सॉर्ट करने के लिए. ओके, अब देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे रिवर्स फंक्शन. सॉर्ट तो आपने कर लिया, अब रिवर्स करिए. ठीक है, रिवर्स कैसे करेंगे, यहां लिखिए STUDENTS स्टूडेंट्स. ठीक है, और अब आपको लगाना है डॉट रिवर्स REVERSE स्टूडेंट डॉट रिवर्स. ठीक है, और ये आपको लगाना है. ठीक है, और इंटर प्रेस करना है. तो यहां पे देखिए अब आपको यहां पे स्टूडेंट्स को एक्सेस करना है STUDENTS स्टूडेंट्स. यहां पे इंटर जैसे ही प्रेस करते हैं आप तो ये रिवर्स ऑर्डर में हो गया, मतलब जैसा था बिल्कुल उसका उल्टा हो गया. पहले सूरज आएगा फिर सचिन आएगा, देखिए पहले सूरज फिर सचिन, फिर रत्नेश, फिर रत्नेश आ गया, फिर रहीम आ गया, फिर राधा आ गया, फिर जावेद आ गया. ठीक है, तो ये रिवर्स हो गया. ठीक है, इसके आगे देखते हैं. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि इसमें आप क्या करें, इसमें आप जो है यहाँ पर एक और फंक्शन यूज करिए. जैसे स्टूडेंट में हम और जैसे स्टूडेंट्स नाम का हमने बनाया था तो ये स्टूडेंट हो गया, और जैसे मान लीजिए स्टूडेंट टू कर दिया हमने या थ्री कर दिया. ठीक है, थ्री कर दिया मान लीजिए. ठीक है, और इज इक्वल टू. ठीक है, अब हम जोड़ना चाहते हैं स्टूडेंट थ्री नाम का हम एक अलग से बना रहे हैं. ठीक है, और इसमें हम क्या जोड़ना चाहते हैं, स्टूडेंट्स जो पहले से हमने बना रखा था उसको और दूसरा जो हमने बनाया है स्टूडेंट थ्री, इन दोनों को हम जोड़ना चाहते हैं. ठीक है, तो पहले स्टूडेंट टू में या थ्री में हम देख लें कि पहले क्या क्या हम जोड़ना चाहते हैं. तो यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए. मैं लिखता हूं यहां पे शाहिद. ठीक है, ये लिख दिया हमने, इसको यहां से क्लोज करेंगे और यहां से भी इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा. ठीक है, और शाहिद लिख दिया हमने, और शायद लिखने के बाद कॉमा देंगे और लिखेंगे कार्तिक. कार्तिक, ठीक है, ये लिख दिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखेंगे इसे. अब करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज. ठीक है, और यहां पर अब हम ऑल स्टूडेंट की लिस्ट देखेंगे जितने स्टूडेंट हमने लगाए हैं. तो यहां पर मैं लिखता हूं ऑल स्टूडेंट्स. ठीक है, ऑल स्टूडेंट्स. ठीक है, और अगर इसमें मैं गैप करता हूं तो क्या होगा, गैप नहीं करना है आपको. ऑल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू. ठीक है, वैसे गैप यहां पे इज इक्वल टू का निशान बनाइए. तो हमको किनको किनको जोड़ना है, स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स को जोड़ना है स्टूडेंट्स. ठीक है, और उसमें प्लस करना है किसका रिकॉर्ड, स्टूडेंट थ्री का. स्टूडेंट
स्टूडेंट थ्री, तो ये थ्री लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको करना है एंटर, तो एंटर कर दिया हमने। अब हमें क्या करना है, अब हमें ऑल स्टूडेंट्स को एक्सेस करना है, ऑल एस टी यू डी ई एन टी एस, ठीक है। एंटर किया तो ये देखिए जो शाहिद और कार्तिक जो हमने जोड़ा था वो इसमें जुड़ करके आ गया। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि ये कैसे कैसे हो रहा है। अब आगे देखते हैं हम, आगे हमें क्या करना है कि अब ये कुछ मार्क्स गेन करेंगे, ठीक है। तो हम एक मार्क्स नाम का क्या बना लेते हैं, वेरिएबल बनाते हैं। तो यहां लिखता हूं मैं, या फिर एम ए आर के एस, मार्क्स बना लिया हमने, ठीक है। अब क्या करना है, मार्क्स के अंदर बहुत सारे मार्क्स डालने हैं हमें, जैसे 56, ठीक है, 88, 89, 78, 67, ये इतने सारे मार्क्स हमने यहाँ पे डाल दिए हैं, ठीक है। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज करना है आपको, और अब आपको क्या करना है, इसमें पता करना है कि मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे एम ए एक्स मैक्स, और ये हमें बताएगा मार्क्स फंक्शन के बारे में, ये क्या काम करता है, एम ए आर के एस, हमें पता करना है कि मैक्सिमम मार्क्स किसके हैं, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर नहीं लगाएंगे बल्कि स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। यहां लिखेंगे एम ए आर के एस मार्क्स, ठीक है, और ये देखिए यहाँ पे इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो ये लिखिए आप, और मार्क्स चूंकि कैपिटल है इसको हम कैपिटल ही लिख देते हैं एम, ठीक है, और यहां पर इंटर प्रेस करूंगा। तो यहां पे देखिए मैक्सिमम मार्क्स इसमें, आप ही बताइए इसमें से मैक्सिमम कौन सा है, 89, तो 89 आ गया। अब हम एक और फंक्शन देखेंगे जिसका नाम है मिनिमम, ठीक है। तो मिनिमम कैसे करेंगे, तो यहां पे मैं लिखता हूं एम ए आर के एस, तो ये मार्क्स आ गए। अब इसमें हमको पता करना है कि मिनिमम कौन सा है, तो लिखूंगा एम आई एन, ठीक है, और यहां पे दूंगा एक काम करता हूं एम आई एन, ठीक है, और यहां पे दे दूंगा मार्क्स एम ए आर के एस, ठीक है, और करूंगा इसको बंद और प्रेस करूंगा इंटर, और ये देखिए मिनिमम मार्क्स 56 है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एवरेज लगाएंगे, ए बी ई आर ए जी ई, ठीक है। क्या ये एवरेज काउंट करेगा, नहीं काउंट करेगा, क्यों नहीं काउंट करेगा, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब एवरेज कैसे क्या करना है ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे, वीडियो काफी लंबा होता जा रहा है। तो मैक्सिमम मिनिमम आपने सीख लिया, आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस किस तरह से हम पाइथन में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और इसके अगले वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि एवरेज कैसे क्या करना है, ठीक है, और भी डेटा इस पे कैसे हम डाल सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, किस तरह से हम इसमें और भी चीजें कर सकते हैं, ये सारी बातें हम सीखेंगे लेकिन अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।